हाय दोस्तों, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाली है HDMI पोर्ट के ऊपर। अगर आपके टीवी या किसी भी डिवाइस का HDMI पोर्ट काम करना बंद कर दे या किसी भी कारण के वजह से HDMI पोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप किस तरीके से ठीक कर पाओगे और ठीक करने का जो प्रोसेस है और HDMI का डेटा ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, वो सारे चीज़ आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एक बात कि अगर आप HDMI पोर्ट को एज ए डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम कर रहे हो या किसी भी मॉनिटर के लिए काम कर रहे हो, तभी आप इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए गाइस, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूँ और ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया हूँ ये जो हमारा फीमेल HDMI पोर्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो HDMI पोर्ट है वो दो प्रकार की मिलता है। एक तो ये नॉर्मल वाला HDMI पोर्ट और एक मिलता है मिनी HDMI पोर्ट। हम मिनी HDMI पोर्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे ये वाला HDMI पोर्ट के। एक बार आपको जो मेल HDMI पोर्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो, ये हमारा मेल HDMI कॉर्ड है और बोर्ड में जो लगा हुआ है ये हमारा फीमेल HDMI कॉर्ड है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा नीचे, यानी कि नीचे जो पिन है आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सभी जो HDMI पोर्ट है उनके अंदर 19 पिने रहता है। अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो आप काउंट कर सकते हो, यहाँ से जितने भी पिन है सारे आपको 19 ही मिलेंगे। और मैंने जो ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ पर भी 19 पिन लिखा हुआ है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 19। और ये जो मैंने ड्रॉ किया हूँ कुछ इस तरीके से, यानी कि जो इस तरीके से हमने, तो यानी कि देख सकते हो इधर कट लगा हुआ है, इधर कट लगा हुआ है, इधर भी कट लगा हुआ है थोड़ा सा, इधर भी कट लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पकड़ोगे और अगर आप इस साइड से 1 2 करके काउंट करके लग जाओगे तो आपका जो सिग्नल है वो गलत हो जाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया हूँ। तो चलिए आप बात कर लेते हैं सारे सिग्नल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे data 2, data 0 and data 1, ये जो सारे तीन सिग्नल है ये हमारा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए, जो हाई डेफिनेशन जो पिक्चर क्वालिटी होती है यानी पिक्चर होती है उसका जो डेटा होती है ये 0, 1 और 2 ये तीन सिग्नल के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपके टीवी के अंदर पिक्चर सही से ना आए या एबनॉर्मल पिक्चर आए, तो सबसे पहले आपको कौन कौन सा सिग्नल आपको चेक करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर और 9 नंबर, ये जो सिग्नल है इस सिग्नल पे आपको 1.2 वोल्ट मेजर करना होगा। तो यहाँ पे 1.2 से भी कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर हम सिग्नल की बात करें तो मल्टीमीटर के ज़रिए ना मेज़र करें तो ही अच्छा होगा। अगर आपके पास एक ऑसिलोस्कोप है, या चाहे डिजिटल ऑसिलोस्कोप है चाहे वो एनालॉग ऑसिलोस्कोप हो, अगर आपके पास एक ऑसिलोस्कोप है तो आप ये जो सारे सिग्नल है यहाँ पे, ये जो सिग्नल है data 0 माइनस एंड 0 प्लस, यहाँ पे है 2 माइनस और 2 प्लस और यहाँ पे है 1 माइनस और 1 प्लस, ये जो सारे सिग्नल है आप ऑसिलोस्कोप के ज़रिए ही चेक कीजिए, ताकि क्या होगा कि ऑसिलोस्कोप के ज़रिए आपको अच्छे से पता चलेगा कि हमें सिग्नल सही से मिल रहा है कि नहीं, इसका एम्पलीट्यूड सही है कि नहीं। इन सारे चीज़ों में आपको सारे कुछ आपको दिखाई देगा एक ऑसिलोस्कोप के अंदर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, देख सकते हो 10 या 12 नंबर, ये जो दो सिग्नल है ये हमारा क्लॉक सिग्नल के लिए है, यानी कि किसी भी प्रोसेसर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत होती है और वो जो क्लॉक सिग्नल हमें 10 और 12 के ज़रिए ही प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो 10 और 12 नंबर है इसको भी आपको ऑसिलोस्कोप के ज़रिए ही मेज़र करना होगा, क्योंकि ये जो क्लॉक सिग्नल है ये भी एक सिग्नल है, वोल्टेज नहीं है, इसलिए आपको ऑसिलोस्कोप के ज़रिए अच्छे से पता चलेगा कि हमें क्लॉक सिग्नल सही से मिल रहा है कि नहीं, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव। उसके बाद 13 और 14 की बात करें,
ये जो दो सिग्नल है, ये दो सिग्नल हमें ज़्यादा काम में नहीं आता, नॉट कनेक्टेड, ये दोनों हमेशा ही नॉट कनेक्टेड रहता है। ये कब काम आता है, जब किसी भी वायर को यानी कि किसी भी चीज़ को चेक करने या सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए ये दोनों यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बेसिकली यूज नहीं किया जाता है, नॉट कनेक्ट या रिवर्स वोल्टेज के लिए ये दोनों यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम 15 नंबर की बात करें, ये SCL, SCL का मतलब है सीरियल क्लॉक, SDL मतलब सीरियल डेटा, यानी कि किसी भी, मान लीजिए आप अपने लैपटॉप के ज़रिए किसी भी मॉनिटर को कनेक्ट किए हो HDMI कॉर्ड से, और उसमें से अगर हम मान लीजिए इसी बोर्ड की अगर बात करें, ये जो हमारा HDMI कोड है इस, तो आप इस बोर्ड के अंदर एक सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करना चाहते हो, वो भी HDMI केबल के ज़रिए, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो अब ये, तब ये रिसीवर का काम करेगा, यानी कि जो ट्रांसमिट का काम करेगा वो सेट टॉप बॉक्स और रिसीवर का काम ये करेगा। तब आपको क्या करना होगा, आपको पता करना होगा कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे है, या जो जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है उसमें हो रहा है, अगर वहाँ से सही से यानी कि सेट टॉप बॉक्स से सही से सिग्नल आ रहा है लेकिन हमें इस बोर्ड में, बोर्ड के अंदर सही से नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना होगा, ये जो सीरियल क्लॉक है इसको चेक करना होगा, और सीरियल डेटा तो आपको वहीं से मिल रहा है तो सीरियल डेटा को भी चेक करना होगा। और ये जो सारे सिग्नल है, इस सारे सिग्नल को चेक करने के लिए आपको एक ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत होगी, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो सारे चीज़ है ये आप मल्टीमीटर के ज़रिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारे चिप लेवल का काम है इसलिए, और सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो इस HDMI कॉर्ड के अंदर मल्टीमीटर के ज़रिए, ये जो हमारा 5 वोल्ट पॉजिटिव पावर सप्लाई है इसको आप चेक कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को आप HDMI केबल के ज़रिए अगर कनेक्ट करना चाहते हो या कनेक्ट कर रहे हो, तब आपको चेक करना होगा जो 18 नंबर पिन है वहाँ पे प्लस 5 वोल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर ना मिले तो ये जो सारे चीज़ मैंने अभी बताया ये एक भी काम नहीं करेगा, यहाँ से भी मतलब आपको ऑसिलोस्कोप के दिखाएगा कि यहाँ पे वोल्टेज सही है, यहाँ पे भी मतलब सिग्नल सही है, यहाँ पे भी सिग्नल सही है और यहाँ पे भी सिग्नल सही है, लेकिन क्या होगा कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट ना मिलेगा तो आपके जो डिवाइस है वो काम नहीं करेगा, वो तो ट्रांसमिट तो हो जाएगा लेकिन रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपका ट्रांसमिट पॉइंट पे ही आपका 5 वोल्ट ना मिले तो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। या तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारे चीज़ें ये सब मतलब चिप लेवल का काम है, तो आई थिंक गाइस आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि HDMI केबल को या HDMI पोर्ट को चेंज करने के लिए यानी कि चेक करने के लिए आपको कौन कौन सा पिन पे कौन कौन सा सिग्नल मिलना चाहिए और किस तरीके से मेजर करोगे, वो सारे प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक बात रह गया सबसे बाद कि ये जो 19 नंबर पिन है ये पिन किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये पोर्ट जो है या ये जो पिन है ये कुछ अलग टाइप का पोर्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो हॉट प्लग लिखा हुआ है। हॉट प्लग ऐसा है कि किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी HDMI सर्किट के अंदर अगर कोई भी हीटिंग इशू आए तो ये हमारा सेंस कर लेगा और सारे जो हमारा कनेक्शन डेटा ट्रांसफ़र है वो स्टॉप करके हमारा जो सिग्नल है वो स्टॉप कर देगा, इसलिए ये हमारा 19 नंबर जो पिन है ये हॉट प्लग इसलिए यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक गाइस आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक HDMI कॉर्ड या HDMI पोर्ट काम करता है, तो इसके अंदर अगर कोई भी फॉल्ट आए आई थिंक आप अच्छे से रिपेयर कर पाओगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या समझ में नहीं आया है तो नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप रिपेयरिंग फील्ड में काम करते हो या रिपेयरिंग फील्ड में आप आना चाहते हो तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे रिपेयरिंग का वीडियो पहले से ही लगभग डाल के रखा हूँ, तो लगभग मैंने 400 से ज़्यादा रिपेयरिंग का वीडियो डाल के रखा हूँ। आपने वो सारे रिपेयरिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। और LCD LED TV रिपेयरिंग के ऊपर मैंने लगभग 100 से ज़्यादा
वीडियोस डाल के रखा हूँ, वो सारे वीडियोस अगर आप देख लोगे तो किसी भी टीवी को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाओगे, चाहे आप घर पे हो चाहे शॉप पे हो, किसी भी जगह पे आप अच्छे से रिपेयर कर पाओगे।